हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर से जो आपका चैप्टर है बाजार दर्शन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं 10 मिनट के अंदर अंदर, और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशनड है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजारूपन का मतलब है कि जरूरत कम और दिखावा ज्यादा होना, मींस आप ऐसी चीजें खरीद के आ रहे हो जो आपकी जरूरत की नहीं है और आप उससे शो ऑफ ज्यादा कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो इससे बाजार में कपट बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोगों में अपनापन नहीं रहेगा, और होगा क्या, व्यवहार आपस में अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, ग्राहक और विक्रेता के संबंध सिर्फ व्यावसायिक होते हैं और इस तरह से एक को हानि पहुंचाकर दूसरा अपना लाभ उसमें देखता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ज्यादा बाजारूपन होगा तो दुकानदार लालची हो जाएगा, वो अपना फायदा कमाने के लिए आपको नुकसान पहुंचाएगा और अपना फायदा कमाएगा। और बाजार को वही व्यक्ति सार्थकता दे सकता है जो अपनी जरूरतों को ठीक ठाक समझता है। अगर आप बाजार जाकर वो चीजें खरीदोगे जो आपकी जरूरत की है तो बाजार का आप सही से यूज कर पा रहे हो, लेकिन आप बाजार में सिर्फ पैसा उड़ाने जा रहे हो, कुछ भी मनमाने रेट पर आप लेकर आ रहे हो तो वो रेट उतना ही हो जाएगा। फिर जो आम आदमी लेने जाएगा उसके लिए वो बंदा रेट कम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है पैसे उड़ाने वाला आएगा और मेरा सामान ले जाएगा। सो बाजारूपन का मतलब यही होता है। तो अगर हम बाजार की चमक धमक में ही फंस कर रह गए तो हम हमेशा असंतोष, तृष्णा, घृणा और ईर्ष्या, ये सारी चीजें हमें घेर लेंगी अगर आप ये चमक धमक में अगर फंस जाते हो तो। अगला सवाल है, लेखक ने बाजार का जादू किसे कहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो बाजार में चमक धमक आपको दिखती है ना, कभी आप जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो मैग्नेट की तरह कि यार ये भी ले लूं वो भी ले लूं, तो ये जादू आंखों को जब दिखता है तो ऐसा लगता है मान लो बस अब हम सब कुछ खरीद लें। तो बाजार का ये जो अट्रैक्शन होता है, इसके कारण कभी कभार होता गया जो कस्टमर है वो सजी धजी चीजों को जरूरत ना होने पर भी खरीद लेता है मजबूर होकर। फिर अगला सवाल है, परचेजिंग पावर का क्या तात्पर्य है, मीन्स परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हो। तो परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की शक्ति। आप जो चीजों को खरीदते हो, आपके पास पैसा जो होता है ना आपकी जेब में, वही आपकी परचेजिंग पावर है। और ये लोग बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो बाजार में रेट बढ़वा देता है, वो उसको तो असर नहीं होगा, पर जो कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जाएगा वो उसको महंगा लगेगा सामान। सो इससे कॉम्पिटिशन बढ़ता है बेमतलब का। ऐसे व्यक्ति जो है वो बाजार के जादुई आकर्षण से बच नहीं पाते जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ठीक है, वो चाहेगा मैं सब कुछ खरीद लूं। फिर अगला सवाल है, भगत जी बाजार और समाज को किस प्रकार सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। सो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है भगत जी, वो किसी से कोई लगाव, मतलब आप अगर देखोगे उनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, वो कोई लालच वगैरह नहीं है उनके अंदर, कोई वो चीज इकट्ठा नहीं करना चाहते, दिखावा वो बहुत दूर दूर तक उनके अंदर नहीं है। और वो क्या करते हैं कि मतलब दूसरों का बस भला करना चाहते हैं। कैसे, वो पंसारी की दुकान से केवल जीरा और नमक खरीदते हैं, फिर निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकल जाते हैं, और 6 आने की मतलब जब वो 6 आने कमा लेते हैं तो वो अपना चूरन बेचना बंद कर देते हैं। एक उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई मेरे को 6 आने तक कमाने हैं, 6 आने कमा लूंगा तो अपना वापिस आ जाऊंगा आराम से। जो बचा हुआ चूरन होता है वो बच्चों को फ्री में बांट देते हैं और सभी का जय जय राम कहकर स्वागत करते हैं। बाजार की चमक दमक से वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। समाज को संतोषी जीवन की शिक्षा देते हैं कि आप जीवन में सेटिस्फाई होना सीखो, आपको जो चीजें मिली हैं उसमें संतुष्ट रहो। वो 6 आने कमाकर बंदा वापिस आ जाता है यार, वो चाहता तो 10 भी आने कमा सकता है ना, लेकिन उसके अंदर संतोष है कि मेरे को 6 आने मिल गए काफी हैं, बाकी का सामान बच्चों को मुफ्त में दे दो खुशी मिलेगी, कोई लालच नहीं है इनको। तो भगत जी जैसे जो लोग हैं वो हमारे समाज में होने चाहिए। फिर अगला सवाल है, भूमंडलीकरण के इस दौर में भगत जी जैसे लोग क्या प्रेरणा देते हैं हमको। ठीक है, ये जो हमारा दौर है ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है, और ऐसे में भगत जी जैसे लोग जो हैं वो दुनिया को ये बताते हैं उनके जैसे अच्छे लोग आज भी जिंदा हैं जो बाजार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, वो अपने उसूलों पर चलते हैं, बेफालतू की कंपटीशन में नहीं पड़ते और अनावश्यक चीजों को नहीं खरीदते। ठीक है, हमें बस वही चीजें खरीदनी चाहिए जो वास्तव में हमारी नीड है, जो हमारी जरूरतें हैं,
तो इससे क्या है, बाजार अच्छे से चलेगा, आप जिस चीजों की जरूरत नहीं है वो भी खरीद लोगे, तो वो बाजार क्या है उसका एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाजार में जो दुकानदार है उसका फायदा होगा, आम लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। सो आपको बाजार का यूज करना सही से आना चाहिए। अगला सवाल है, जिन्हें अपनी जरूरतों का पता नहीं होता वे लोग बाजार का बाजारोपन कैसे बढ़ाते हैं? तो देखो, जो ऐसे लोग हैं ना जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनको पता ही नहीं है बाजार में कैसे बार्गेनिंग करनी है, बाजार को कैसे समझना है। सो समाज में कुछ लोग होते हैं जो अपनी परचेजिंग पावर के बल पर वस्तुएं खरीदने चले जाते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता उनकी जरूरत का सामान क्या है, जो पसंद आता है उठा लेते हैं, वो समाज में असंतोष बढ़ाते हैं। फिर लोग जब उनको देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई यार ये बंदा इतना पैसे वाला है, ये तो ये भी खरीद रहा है वो भी खरीद रहा है। तो सामान्य लोगों के सामने वो लोग अपनी परचेजिंग पावर को शो ऑफ भी करते हैं, कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं अपनी अमीरी झाड़ते हैं, वो शानो शौकत का सामान खरीदते हैं, ठीक है, और मतलब इससे क्या होता है फिर बाजार का बाजारूपन भी बढ़ता है। तो ऐसे लोग बाजार से लाभ उठा पाते हैं, मतलब ना तो वो लाभ उठा पाते हैं ना वो बाजार को कोई फायदा करते हैं। तो ये एक तरीके से बाजार के लिए बहुत ही बुरे लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले, जो बेफिजूल का पैसा उड़ाते हैं। अगर पैसे वाला इंसान सही चीजें खरीद रहा है तो वो सही है, बट आप चमक दमक देखकर कुछ भी खरीद रहे हो मुंह मांगे रेट पर, तो बेचारे आम लोगों के लिए भी वो रेट बढ़ जाएगा ना, ये बात है। सो वे धन के बल पर बाजार में कपट बढ़ाते हैं, वो अपना पैसा, उनको कभी तो कोई मतलब उनको कोई कमी नहीं होती, उनपे जो रेट बता दिया किसी ने उनको, वो उसी को मान जाते हैं और वो चीज को खरीद लेते हैं। सो यही इसमें बताया गया है। फिर अगला सवाल है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? जब आप बाजार में जाते हो तो जब आपके ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है, सो उस पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा मनुष्य पर? सो जब बाजार का असर चढ़ता है सो मन का संतुलन खो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बाजार में हर चीज को हम खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं, है ना। आप कभी मार्केट जाओ, आप कहोगे ये वाले पैंट भी खरीद लूँ, वो वाला टॉप खरीद लूँ, ये वाली टी शर्ट खरीद लूँ, वो हुडी खरीद लूँ, सब चीज खरीद लूँ, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी खरीद लूँ। सो ऐसे में जेब में रखा हुआ सारा पैसा आप उड़ा देते हो। जब आपका ये उतरता है जादू, सो आपने जो खरीदा है आपको रेग्रेट होगा, यार ये गलत चीज खरीद ली मैंने, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो अनावश्यक था। और पैसों के अनावश्यक खर्च से आर्थिक संकट बढ़ जाता है आपका, आप बेफिजूल की खर्चियां करोगे तो एक दिन आपका दिवाला निकल जाएगा, और नियंत्रण शक्ति पर काबू नहीं रहता आपका, कंट्रोल नहीं कर पाते आप खुद के ऊपर, कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो ये दो असर होते हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर है, बाजार दर्शन में पैसे की व्यंग्य शक्ति को स्पष्ट करो। सो देखो होता क्या है, जब पैसा नहीं होता तो मनुष्य के अंदर हीन भावना आती है, जब मेरे पास पैसा नहीं होगा ना मैं बोलूंगा यार मैं तो बुरा हूं, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। पैसे वाला तो स्वयं को बहुत बड़ा और दूसरों से अच्छा समझता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता ना वो बड़े लोगों से, पैसे वालों से ईर्ष्या करने लगेगा, जेलेसी होगी उसे कि यार उस पर इतना पैसा कैसे आ रहा है। वो अपने जो अमीर अमीर जो रिलेटिव्स होंगे उसको देखकर भी जलेगा, अरे मेरे चाचा के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, मेरे मामा के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है। तो पैसे की शक्ति ही उसकी व्यंग्य शक्ति कहलाती है, मींस ये जो पैसे की शक्ति है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होती है। इसमें है क्या कि भाई आपको कंट्रोल बहुत मुश्किल से होता है अपने ऊपर, जब आपके पास पैसा नहीं है और आपके अंदर हीन भावना ना आए, ये सब चीजें कंट्रोल वो ही कर पाता है जो बहुत ही नॉलेज वाला व्यक्ति है, जिसको अपने इंद्रियों पर, अपनी समझ पर, अपने मन पर कंट्रोल है, जिसका मन चंचल नहीं है। सो ये आपको इसमें लिखना है। सो आई होप योर वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय